फ्रेंड्स अपनी सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए क्योंकि आज की स्टोरी होने वाली है सुपर डुपर हॉरर। तो मैं दीपांशी आपकी होस्ट एंड दोस्त स्टोरी लेकर आई हूँ विद अ घोस्ट जिसका टाइटल है मे द डेविल टेक यू टू। ये एक इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका ओरिजिनल नेम है सिबलम इबलिस मेनजेम्पित पार्ट टू। बाय द वे अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी आई बटन पर क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट देखिए या फिर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक्चुअली सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से आगे की स्टोरी दिखाता है तो स्टोरी समझने में आपको आसानी हो जाएगी। और जो लोग इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं उनको फर्स्ट पार्ट की एक क्लिप्स और फोटोज देखकर स्टोरी याद आ ही गई होगी। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मूवीज क्लस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस स्केरी यात्रा। मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं मिलाना चाहती हूँ आपको मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स से जो कि साथ फ्रेंड्स हैं, जेनार, बुदी, लियो, क्रिस्टी, मार्था, डेवी एंड गदिस। तो फर्स्ट सीन में गदिस को दिखाते हैं जो कि बुरी तरह इंजर्ड और डरी हुई थी। तभी डेवी वहाँ आ जाती है और उसकी ऐसी हालत का कारण पूछती है। इस पर गदिस बताती है कि आयुब वापिस आ गया है और उसकी ऐसी हालत उसी ने की है। लेकिन डेवी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आयुब को मरे हुए बरसों बीत गए हैं और ये तुम्हारा वहम होगा। तब गदिस देवी को अपनी इंजरीज दिखाती है और उसको कहती है कि इस वक्त वो तुम्हें घूर रहा है। अब गदिस की ऐसी हालत देखकर देवी उस रात वहीं रुकने का डिसाइड कर लेती है, मेक हर फील बेटर। और तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स पर जाती है जो कि एल्फी और लेसमाना की न्यूज कटिंग्स थी। आई थिंक अब आप सभी इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देख कर आए होंगे तो एल्फी और लेसमाना की स्टोरी आप जान ही चुके हो। और वहीं डेवी को उन फ्रेंड्स के बचपन की एक फोटोग्राफ भी मिलती है। अब उस फोटोग्राफ में डेवी को कुछ तो गड़बड़ नजर आती है जिसको देखकर वो काफी परेशान हो गई थी। और तभी पर्दे के पीछे नजर आती है एक इविल स्प्रिट जो कि डेवी को काफी देर से स्टेयर कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गदिस की आंखें खुल जाती हैं और वो डेवी को ढूंढने लगती है और तभी उसको जमीन पर पड़ा हुआ ब्लड नजर आता है। और जब वो सीलिंग की तरफ देखती है तो ओ माय गॉड, डेवी अधमरी हालत में सीलिंग से चिपकी हुई नजर आती है और तभी धड़ाम नीचे गिर कर मर जाती है। इट वॉज टू क्रीपी फ्रेंड्स। अब सीन शिफ्ट होकर एल्फी पर आता है। अब एल्फी को तो आप सभी जानते हो इस मूवी की मेन लीड जो कि लास्ट पार्ट में नारा के साथ उस हॉन्टेड घर से बाहर निकल आई थी और इसके बाद वो नारा यानी अपनी स्टेप सिस्टर को अपने ही घर ले आती है। लेकिन एल्फी को अभी भी उस ब्लैक मैजिक करने वाली औरत की शैतानी आत्मा का एहसास अपने आसपास हो रहा था। और अगली ही सुबह कुछ लोग एल्फी और नारा का किडनैप करके शहर से दूर खंडर पड़े एक अनाथ आश्रम में ले आते हैं। और ये किडनैपर्स कोई और नहीं बल्कि वही फ्रेंड्स थे जिनको अयूब की स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी। जेनारा एल्फी को बताती है कि 15 साल पहले ये सातों फ्रेंड्स इसी अनाथ आश्रम में रहा करते थे और इस आश्रम को चलाने वाले थे अयूब और उसकी वाइफ क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ टाइम बाद अयूब की वाइफ की डेथ हो जाती है और तभी से अयूब के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया था। वो उन बच्चों को मारता पीटता और कोई गलती हो जाने पर अंधेरे कमरे में बंद कर देता और कई दिनों तक उन्हें खाना भी नहीं देता। इसके साथ ही वो बिल्डिंग के बेसमेंट में जाकर कुछ सैटेनिक एक्टिविटीज करता रहता था जहाँ बच्चों को जाने की परमिशन नहीं थी। अब ये आश्रम इन बच्चों के लिए एक डरावनी जेल बनकर रह गया था। एक दिन इन बच्चों के सब्र का बांध टूट जाता है और ये अयूब को उसी बेसमेंट में जलाकर मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले अयूब इन बच्चों को वार्निंग देकर जाता है कि डेविल तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि शायद अयूब ने इन बच्चों की सोल की डील डेविल के साथ पहले ही कर ली थी। इसके बाद इन बच्चों को दूसरे अनाथ आश्रम में शिफ्ट कर दिया जाता है और अब 15 साल बाद इन फ्रेंड्स को लगता है कि डेवी की मौत के साथ अयूब के कर्ज की शुरुआत हो चुकी है और अयूब अब एक एक करके इन सभी की जान ले लेगा। और एल्फी को यहाँ लाने का मकसद भी यही था ताकि वो इन दोस्तों की हेल्प कर सके अयूब की शैतानी आत्मा से बचने में क्योंकि ये लोग जानते थे कि एल्फी पहले भी इस तरह की डेमोनिक स्पिरिट से मुकाबला कर चुकी है। खैर अब ना चाहते हुए भी एल्फी इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इस
उसके बाद जब एल्फी बिल्डिंग को विजिट करती है तो कुछ और स्केरी सीन्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि एक अजीब सी डरावनी डोल एंड ब्लैक मैजिक में यूज आने वाली कुछ चीजें एंड ऑल। और तभी एल्फी को दिखाई देती है अयूब की आत्मा, जो कि तेजी से उसकी तरफ दौड़कर आती है और अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद ये लोग एल्फी को एक डायरी देते हैं विच इज कॉल्ड ब्लैक बाइबल, और इस ब्लैक बाइबल में एल्फी को उसी डार्क प्रिस्टेस की फोटो दिखती है जो कि लास्ट पार्ट में एल्फी और उसकी फैमिली को हॉन्ट कर रही थी। ये देखकर एल्फी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और आश्रम से बाहर निकल आती है। तब बुधी उसके पास जाता है और उसको बताता है कि ये डायरी अयूब को एक लेडी ने दी थी, और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वही डार्क प्रिस्टेस थी जिसने लास्ट पार्ट में लेस्माना को ब्लैक मैजिक में ट्रैप किया था। उसके बाद अयूब को दैट स्केरी लुक, इवन मोर स्केरी देन अयूब स्प्रिट। एल्फी बताती है कि लेस्माना ने ब्लैक मैजिक का सहारा अपने लालच में आकर लिया था, तो हो सकता है अयूब का रीजन उसकी मरी हुई वाइफ से रिलेटेड हो। वेल, अब एल्फी को पता चलता है कि सिटी से काफी दूर होने की वजह से यहाँ नेटवर्क काम नहीं करते हैं और ये लोग वॉकी टॉकी से ही एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हैं। अब ये सभी लोग उस बेसमेंट के पास पहुँच जाते हैं जहाँ जलकर अयूब की मौत हुई थी। क्रिस्टी अंदर जाने से मना कर देती है, इसलिए वो नारा के साथ बाहर रहती है, बाकी सभी लोग बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। मार्था के अकॉर्डिंग उसने इस ब्लैक बाइबल को डिकोड कर लिया है, जिसके हिसाब से अयूब ने शैतान के देवता मोलोक के साथ इन बच्चों की बलि देने का सौदा किया था, लेकिन अपनी वो डील पूरी कर पाता उससे पहले ही इन बच्चों ने उसको मार दिया था, और अब वो अपनी डील पूरी करने के लिए ही वापस आया है। मार्था आगे बताती है कि इस श्राप को वही इंसान रोक सकता है जो इस ब्लैक बाइबल में लिखे मंत्रों को पढ़ पाएगा, और उनको लगता है कि वो इंसान एल्फी है। अब मार्था एल्फी के ब्लड का अंगूठा उस बाइबल पर लगवाती है। इसके बाद एल्फी बहुत जोरों से कांपने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। फिर बेसमेंट में बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है, हर कोई बुरी तरह कांपने लगता है, और अचानक सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब होता है वहाँ किसी आत्मा की प्रेजेंस का होना, और अयूब की आत्मा इन सभी पर अटैक कर देती है, और ऐसा करते हुए उसे कोई नहीं देख पा रहा था सिवाय एल्फी के। बहुत कोशिशों के बाद भी एल्फी जेनार को नहीं बचा पाती है और अयूब उसको बड़ी दर्दनाक मौत देता है। इसके बाद अयूब की स्पिरिट बेसमेंट से बाहर निकलकर क्रिस्टी के शरीर को अपना लेती है। अब क्रिस्टी अयूब के कंट्रोल में आ चुकी थी और वो नारा को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। नारा अपनी जान बचाकर भागती है और एक कमरे में आकर छिप जाती है, लेकिन क्रिस्टी कमरे का गेट तोड़कर अंदर घुस जाती है, एंड दिस सीन वाज हॉरिफाइंग जब वो नारा को ढूंढ लेती है, लेकिन नारा उसके ऊपर कबर्ड गिरा देती है, और तब तक वहाँ एल्फी भी आ जाती है और वो लोहे की रोड से क्रिस्टी पर तब तक वार करती है जब तक वो मर नहीं जाती। एंड देन दे रियलाइज कि अयूब की वजह से उनकी एक और फ्रेंड की मौत हो गई है। एल्फी अब इन सभी लोगों पर गुस्सा करती है, गदिस जो कि ऐसी सिचुएशन में भी साइड में खड़ी होकर नाखून चबाती रहती है, मार्था जिसकी बात मानकर एल्फी ने उस ब्लैक बाइबल पर अपने ब्लड का अंगूठा लगाया, और इनके दो फ्रेंड्स की जान चली गई। एल्फी अब बुधी से कहती है कि वो उसको और नारा को वापस छोड़कर आए, वो यहाँ अब एक पल नहीं रुकेगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि पहले ही किसी ने उसके वायर्स कट कर दिए थे। तभी अचानक एल्फी के सामने अयूब की स्प्रिट आकर उसको डरा देती है, जिससे एल्फी गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पूरी बिल्डिंग में कोई नजर नहीं आता सिवाय उस डरावनी डोल के, और तभी दीवार के पीछे से किसी का हाथ निकल कर आता है। ये देखकर एल्फी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और वो होता है एल्फी की स्टेप मदर का घोस्ट, और वो घोस्ट एल्फी के पीछे भागने लगता है। एल्फी भागकर हॉल में आ जाती है और वहाँ उसको उसके फादर लेस्माना दिखाई देते हैं। लेस्माना उसी बुरी कंडीशन में था जिस कंडीशन में उसकी डेथ हुई थी। वो एल्फी को वॉर्न करता है कि शैतान ने उसको जानबूझकर यहाँ बुलाया है, वो अभी भी तुम्हारी आत्मा पर कब्जा करना चाहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ एल्फी। एल्फी बहुत घबरा जाती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने अयूब खड़ा था। अयूब एल्फी का हाथ पकड़ लेता है, एल्फी जोरों से चिल्लाती है और उसकी आंख खुल जाती है। इट मीन्स ये सब कुछ वो बेहोशी में देख रही थी, लेकिन ये क्या, जहाँ से एल्फी का हाथ अयूब ने पकड़ा था वो वहीं से जला हुआ होता है। एल्फी को सपने और हकीकत में फर्क समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत परेशान हो जाती है और बुधी से कहती है कि अयूब उसको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। साथ ही उसको ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि शैतान को बलि देने के लिए वो अब क्यों वापिस आया है, इससे पहले क्यों नहीं। बुधी आगे से बोलता है कि कार की वायर्स किसी ने कट की थी और अब इनको शक होता है कि शायद कोई है जो अयूब की हेल्प कर रहा है, जिसका पता लगाने
करने के लिए ये सभी लोग फिर से इकट्ठा होते हैं उस ब्लैक बाइबल के साथ, लेकिन गदिस वहाँ नहीं थी, इसलिए लियो उसको ढूंढने के लिए जाता है। अब एल्फी उस ब्लैक बुक को फिर से देखती है और बुक में उसको कई बार ब्लड के अंगूठों के निशान दिखाई देते हैं, विच मीन्स ये रिचुअल कई बार परफॉर्म की जा चुकी है अयूब को बुलाने के लिए। और तभी एल्फी को याद आता है कि उसने गदिस के अंगूठे पर बैंडेज लगी हुई देखी थी जब वो अपने नाखून चबा रही थी। इसके बाद वो उनके बचपन की फोटोग्राफ देखती है, जिसको देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि इन सब चीजों के पीछे गदिस का हाथ है। और वो सबको दिखाती है कि अयूब का तुम सबके साथ एक अब्यूजिव नेचर था, लेकिन फिर भी गदिस इस फोटो में अयूब का हाथ पकड़कर बैठी है एक स्माइल के साथ, जिसका मतलब है कि गदिस को स्टॉकहोम सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है। बेसिकली इस बीमारी में व्यक्ति सही गलत की पहचान खो देता है और उसको गलत करने वाले व्यक्ति के साथ ही एक सहानुभूति और अटैचमेंट हो जाती है। दूसरी तरफ लियो को दिखाते हैं जो कि गदिस को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंच जाता है। तभी वहां गदिस आती है और लियो को उस कमरे में लॉक कर देती है, जिस तरह बचपन में अयूब किया करता था। अब लियो बहुत ज्यादा डर चुका था और वो बुद्धि से हेल्प मांगने के लिए वॉकी टॉकी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, बट वेस्ट, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद आते हैं बहुत ज्यादा स्केरी सीन्स, जैसे कि इसी रूम में रखा हुआ था क्रिस्टी की डेड बॉडी वाला बॉक्स। अब पजेस्ड क्रिस्टी उस बॉक्स से बाहर निकल जाती है और अचानक लियो के सामने आ जाती है और इसके बाद बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी जान ले लेती है। फिर वो इन सब के सामने अयूब की एक वकील बनकर खड़ी हो जाती है, उसकी महानता के किस्से गाने लगती है। वो कहती है कि हम सब के मरने के बाद अयूब हमको फिर से रीयूनाइट कर देगा क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। साथ ही गदिस बताती है कि अयूब को परमानेंटली यहाँ बुलाने के लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग सोल की जरूरत थी, जिसका डेविल से कोई पुराना कनेक्शन हो, और वो थी एल्फी। इसीलिए वो शुरुआत से ही एल्फी पर नजर रखे हुए थी। इसके बाद डेवी की मौत और इन सब लोगों को अपनी बातों में लाकर इकट्ठा करना और एल्फी का किडनैप कराना, ये सब कुछ गदिस का ही प्री प्लान था ताकि एल्फी के हाथों से अयूब को वापस बुलाया जा सके। इसके बाद गुस्से में आकर बुद्धि उस ब्लैक बाइबल को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गदिस अयूब से मिली हुई शक्तियों से बुद्धि को ही चोट पहुंचा देती है और वो डार्क बुक छीन लेती है, लेकिन उसकी शक्तियां एल्फी पर काम नहीं करती। इसके बाद मार्था गदिस पर चाकू से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन गदिस मार्था को ही मार देती है, लेकिन मार्था वो डार्क बुक चुपके से उससे ले लेती है। अब गदिस मार्था और एल्फी को एक कमरे में लॉक कर देती है और उस कमरे में आग लगा देती है। मार्था मरने से पहले वो डार्क बुक एल्फी को देती है और कहती है कि तुम ही अयूब और गदिस को रोक सकती हो, इस बुक का यूज करो। अब एल्फी एक बार फिर से उस बुक का इस्तेमाल करती है, जिससे उसको कुछ शक्तियां मिलती हैं, जिनकी मदद से वो उस जलते हुए कमरे से निकलकर बुद्धि को उस आश्रम से बाहर निकाल लाती है और बुद्धि को कार ठीक करने को बोलकर खुद अंदर चली जाती है नारा को लाने के लिए। अंदर उसको लेस्माना और लक्ष्मी के स्टैचू रखे हुए दिखाई देते हैं जो कि उसकी तरफ हंस रहे थे। इसके बाद वो एक रूम को ओपन करती है तो लियो का भूत उसके पीछे भागने लगता है। दूसरा रूम ओपन करती है तो जेनार और क्रिस्टी का भूत उसके पीछे भागने लगता है। इसी तरह वो इन सब से बचकर के पास पहुंच जाती है और अब गदिस फिर से एल्फी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गदिस एल्फी पर खून की उल्टियां करती है और बहुत ही गंदे और डरावने तरीके से उस पर हमले करती है। अब एल्फी गदिस को रोकने के लिए फिर से उन काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन गदिस उनका पीछा नहीं छोड़ती है और फिर से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद बुद्धि गदिस को कार से टक्कर मार देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तो अब अयूब जो कि गदिस के अंदर था, उसका पेट फाड़ कर बाहर निकलने लगता है। इट वॉज टू क्रीपी एंड हॉरिफाइंग। इसके बाद अयूब भाग कर आता है और एल्फी की बॉडी के अंदर घुस जाता है। अब चाहकर भी एल्फी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चाकू मारकर खुद की ही जान ले लेती है। नाउ एल्फी इज डेड। और अब एल्फी दूसरी दुनिया में जा चुकी है, मोलोक की दुनिया में। मोलोक, द डेविल ऑफ मॉन्स्टर्स। अयूब की सोल को मोलोक अपने कब्जे में ले चुका था। अब बारी थी एल्फी की। मोलोक एल्फी से कहता है कि तुम बहुत स्वार्थी और बेवकूफ लड़की हो, अपनी किस्मत से भागते भागते और अपनी जान बचाते बचाते तुम अपना घर परिवार और अपना सब कुछ खो चुकी हो। क्या तुम्हें ये रियलाइज नहीं होता, तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारी सोल पर मेरा हक है। इसके बाद मोलोक एल्फी की सोल को क्लेम कर लेता है और वापस उसके शरीर में भेज देता है और इस तरह एल्फी फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन बुद्धि के सारे दोस्त मारे जा चुके थे और
इस बात से बेहद दुखी था। खैर, अब मोलोक एल्फी की सोल को क्लेम कर चुका है, तो इससे आगे वाला पार्ट देखने लायक होगा कि अब वो एल्फी से क्या कराएगा। फाइनली एल्फी, नारा और बुद्धि तीनों इस जगह से बचकर निकल जाते हैं। भाई मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई और अब हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा इस मूवी के थर्ड पार्ट का। तो मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।